नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो किसान भाइयों को एक बार अपना छोटा सा परिचय दीजिए सर जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी, तहे दिल से। तो सर जी, जो आपका ये फार्म है किस जगह है सर? ये छपार, छपार पोस्ट के भगवानपुर से। तो जो आपके पास बच्चे हैं वो टोटल अभी कितने बच्चे हैं? 3000। 3000 बच्चे। 3000 बच्चे से आपने अपना फार्म स्टार्ट किया। तो सर, आपके जो फार्म की टोटल कैपेसिटी कितने बच्चों की है? इसमें 4500 बच्चे डल सकते हैं। 4500 बच्चे हैं। शुरू का आपने लोड 3000 का लिया था? जी जी, कम से कम, क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हमने कम से कम लिया, क्योंकि बच्चा वेट नहीं बना पाता है, लोड का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। बिल्कुल। तो इसमें एक बच्चा कितने दिन में तैयार हो जाता है? बच्चा तैयार होने में 30-35 दिन लग जाते हैं, काफी दिन भी लग जाते हैं, और कम भी, जैसे कि देख रहे हैं उनके अच्छे से करेंगे, मेडिसिन उनको बराबर देंगे, तो 30 दिन में भी तैयार हो जाता है, 35 दिन में भी तैयार होता है। सर, मार्केट में फिक्स एक क्या क्या रुपये किलो चल रहा है सर इस टाइम? इस टाइम पे जो मंडी का रेट है वो 120-110-115 ऐसा रहता है, और जो ऐसे दुकानों के सोख पे मिल रहा है वो 250 चल रहा है। 250-250 का रुपये। तो कंपनी का सीधी कंपनी का है मेडिसिन, और सर बच्चे कंपनी ने दिया सर। तो सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को, तो 31 ये आपका लोड कितने दिन में आप सेल करोगे सर? इसको करीबन 30-35 दिन के अंदर सेल करोगे। तो आपका क्या कमीशन रहेगा सर इसमें? जो फीड है उसके ऊपर कमीशन रहेगा, जितना फ्रीडम उतना लगा सकते हैं, जितना कम से कम लगाएंगे उतना, मेरा मतलब जितना कम से कम फीड में तैयार करेंगे ना इसको, उतना ज़्यादा कमीशन रहेगा। तो जैसे एक बच्चा सर सेल आउट होता है तो आपका कमीशन क्या बैठेगा? पर बच्चे के हिसाब से बैठेगा या कैसे सर? किलो के। अच्छा, किलो पे कितने रुपये का बेनिफिट है सर आपको? किलो पे 15 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है, 12 का भी आ सकता है। जी जी, वो फीड के ऊपर डिपेंड है। फीड के ऊपर डिपेंड है। हाँ जी। तो इनके टेम्परेचर वगैरह का क्या करते हो? तो और एक बच्चा जैसे कितने दिन कितना दाना खा लेता है वो अपने उसमें, मतलब? अच्छा, तो सर जो आपने जो स्ट्रक्चर में कितने रुपये का खर्चा आया था? स्ट्रक्चर में पूरा करीबन पूरा फिक्स 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। अच्छा, 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। सर मैं आपके स्ट्रक्चर की लंबाई और चौड़ाई एक बार पूछना चाहूँगा। लंबाई है 150 फीट और चौड़ाई है इसकी 30 फुट। 30 फुट चौड़ाई है, 150 फुट इसकी लंबाई है। तो किसान बच्चे देखिए, सामने मजबूत बोर्ड लगाए हुए हैं लोहे के, और ऊपर से छप्पर डाला हुआ है सिटाई, जो गर्मी में ठंडक बनी रहे, काफ़ी पोल्ट्री फार्म करना चाह रहे हैं। सर ने बताया कि कंपनी का किट है, कंपनी के मेडिसन है, कंपनी ने ही बच्चा दिया है। सर को क्या है, अपनी जगह है, सर को तैयार करके देना है। और सर को कभी कितने किलोवाट का मेरा मैंने लगाया सर आपने? हाँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को, जी जिन लोगों का कनेक्शन नहीं हो पाता है, जैसे कि हमारा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, लेकिन 2-2.5 लाख रुपये का खर्चा बताया था सर। तो हमने सोलर पैनल का एस्टिमेट जोड़ा करीबन 50,000 रुपये में। मैं बता रहा था आपको, जैसे कि सोलर पैनल का एस्टिमेट जोड़ा हमने 50,000 रुपये में, पूरा कम्प्लीट है। इसमें हमारा समर्थ एल पी टी सी करंट का है, तो 100 रुपये का मात्र है बस। जी, लाइट वाइट सब इसी से, एसी लाइट भी इसी से बन रही है हमारी, और डीसी से बन रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भाई का कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिससे जेई वगैरह ये ज़्यादा पैसा मांगते हैं कनेक्शन के लिए, तो उनके लिए बिल्कुल बेटर है सोलर पैनल का इस्तेमाल करें। जी, ये बहुत अच्छा है। तो देखिए किसान भाइयों, सर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो बिजली का कोई चार्ज भी, 2-2.5 लाख रुपये का कोई चार्ज भी वहाँ पर कनेक्शन देने में, तो सर ने क्या किया, अपना सोलर पैनल लगवाया। सर एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए कितने रुपये का खर्चा आया था इस पर? मात्र 50,000 रुपये का खर्चा आया है। 2 बेडरूम का सोलर पैनल है आपका? 700 वाट का है। कितने वाट का है? 700 वाट का। 700 वाट का आपका ये है सर। तो सर कितने रुपए का खर्चा आया आपका टोटल इसमें? 50,000 का है, 2 बैटरी और 3 इसमें पैनल है, जो कि 700 वाट बना रहे हैं। 700 वाट, 250 वाट की 3 प्लेट है। तो पहला एस्पेक्ट, तो सर आपको कैसे आइडिया आया कि पोल्ट्री फार्म, आपको कहाँ से कॉन्टैक्ट हुआ कि कंपनी बेस पे अपना पोल्ट्री फार्म शुरू कीजिए? कॉन्ट्रैक्ट एक हमारा फ्रेंड था गांव में से ही, जिसने बहुत पहले इस कंपनी के बारे में जाना था, जिस कंपनी से अभी हमने बच्चा डलवाया हुआ है आई बी का, इसके बारे में जाना, उसने हमें बताया। पहले हमने वो किराए पे लेके चलाया, ओनली उसमें हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में हमने देखा कि उसमें बेनिफिट भी है और अच्छा भी है, तो इसलिए फिर हमने अपना बनाया। तो आपने पहले किराए के फार्म में
किया, इसके बाद सर अपना खुद से करके आप कर रहे हो सर जी। कोई नया दूसरा किसान पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है तो वो किस किस बातों का ध्यान रख सकता है ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा सके? अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, देखो ध्यान तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि मिस्त्री लगा लेते हैं अपना, मिस्त्री लगा के अपना जो लोहा उसको जो है मजबूत बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गाड़ के और अच्छे से बना पाए, क्योंकि हवा तूफान आता है तो जो वैसा थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं ना तो चला जाता है। तो किसान भाइयों मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और जय हिंद जय भारत।